फाइनली हम पहुंच चुके हैं पनिहार में, और ये यहाँ पे अभी हम मुंह वगैरह धो के, बर्तन धो के, पवित्र हो के फिर जाएंगे माता के मंदिर। तो ये जो पानी है वो माता जी की कृपा से निकला हुआ है। तो अभी भक्त जन यहाँ पे अपनी आत्मा और अपने शरीर को यहाँ पे शुद्ध करेंगे और फिर जाएंगे हम माता जी के मंदिर। अभी शुद्धिकरण कर लेते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद। अभी हमने शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। अभी बनाएंगे प्रसाद और माता जी को चढ़ाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। पहुंच चुके हैं मंदिर में, तो कुछ इस तरह का रास्ता है। और हमारे दिल्ली वाले भैया जी, इन्होंने भी अपने शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया है। और कुछ इस तरह का है मंदिर। अभी हम मंदिर नहीं जाएंगे, अभी हमको यहाँ पे हलवा बनाना है, उसके बाद ही हम मंदिर जाएंगे। तो अभी बनाते हैं हलवा, तैयारी करते हैं, फिर चलते हैं मंदिर। फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और हमारे दिल्ली वाले भैया जी यहाँ पे जो है वो प्रसाद हलवा बनाने की तैयारी में पूरे जोरों शोरों से, और पूछते हैं इनसे। दिल्ली वाले भैया जी हमारे आज पहुंच चुके हैं इन पहाड़ों के बीच और माँ का आशीर्वाद लेंगे। तो अभी ये हलवा बनाने जा रहे हैं, तो इन्होंने अभी डालडा घी डाल दिया है इस पर। तो और दिल्ली वाले भैया जी, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? अभी आप यहाँ हलवा तैयार कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत मज़ेदार, शानदार, साफ वातावरण, बहुत शांति है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम कब बना रहे प्लान आने का? फिर दोबारा चल पड़ना जब आप बोलो। ओके, तो अभी यहाँ कुछ हमारे जो भक्त हैं वो मंदिर की सफाई करने में लगे हुए हैं, और भाई तुम्हारा ब्लॉग शूट कर रहा है इनका। तो जय माता दी, सदाई जय। और कुछ इस तरह का मंदिर है नागनी माता का। तो यहाँ पे पुराना मंदिर जो था उसको उखाड़ के एक नया मंदिर का निर्माण हुआ है। तो कुछ इस तरह का मंदिर है, और यहाँ पे भक्त जन भी सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के बाद दिखाएंगे आपको कि दो भक्त जन अंदर लगे हुए हैं सफाई करने। और ये माता नागनी जी की मूर्ति, और बहुत ही प्यारा मंदिर। और ये माँ का पेड़ है जो कुछ टाइम पहले तो बहुत ही विशाल था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये भी बूढ़ा होता जा रहा है। इसकी जो उम्र है बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से अभी ये ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो बहुत ही भयंकर, पहले टोटल पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही इसका एक ही था, तो अभी बीच से खोखला हो चुका है। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से माँ के मंदिर सामने, बरसात की पहाड़ी। अभी यहाँ पे मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे हम, जो गंगा जल हमें मिल गया तो गंगा जल का छिड़काव होगा। जय माता दी, जय माता दी, बल्दी बल्दी माँ, क्या हो भक्ता जी। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अभी ब्राउन कलर होते ही समझो हो गया। तो अभी हमारे जो ये भक्त जन है बैठे हुए। और मिस्टर अरविंद जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके दोबारा? मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मन को कुछ शांति वगैरह मिल रही है या नहीं? शांति जाने की इच्छा नहीं हो रही है यहाँ से, तो हम यहीं पे रहेंगे, नहीं जाएंगे हम। पाँच साल अब यही रहेंगे हम।
नहीं, बिजनेस प्लान ही कुछ यही करेंगे, यहीं कमाएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। प्रोजेक्ट लगाएंगे, बिजली का निर्माण करेंगे यहाँ पर, नीचे पूरे इलाके वालों को बिजली देंगे। स्वदेश मूवी तो आपने देखी होगी। हाँ, छोटा एक छोटा पावर हाउस बनाएंगे, थोड़ा सा पावर हाउस तैयार किया जाएगा यहाँ पर, और बिजली ही बिजली, बिजली बिजली गाँव के लिए, बिजली बिजली कुछ करेंगे हम इन फ्यूचर। और अरुण जी, आपके क्या विचार हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। विचार तो बहुत नेक है, कुछ साझा करिए विचार हमारे साथ भी। खुफिया प्लान साझा नहीं करेंगे हम, खुफिया नहीं, जो यानी कि आप बता सकते हो प्लान बता दीजिए, खुफिया रहने दो। खुफिया प्लान में भी बोलते हैं बंदे ना, खुफिया खुफिया हम बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे ये। अच्छा, कुछ प्लान चोरी हो जाएंगे, प्लान चोरी हो सकते हैं, कॉपीराइट लगेगा फिर। कोई नहीं, ये हमसे ना हो पाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल्ली वाले भैया प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। और दिल्ली वाले भैया जी प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, सारे चढ़ा देंगे, जाओ टर्न वाइज। अभी जो हमारे भक्त हैं, हम माता जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं और मन जो है इच्छा पूर्ति की मनोकामनाएं कर रहे हैं, और धूप अगरबत्ती जलाकर माता जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और एक भक्त जैन हमारे घंटे जा रहे हैं, जोर से बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। लंच तैयार हो रहा है, तो दिखाते हैं आपको हमारे लंच में क्या क्या बन रहा है। तो अभी हम बना रहे हैं कढ़ी, और यहाँ का एक नेचर गिफ्ट ब्रांस के फूल की चटनी, तो दिखाते हैं अभी कैसे बनाते हैं। तो अभी ये हमारी चटनी तैयार हो रही है, ये है ब्रांस के फूल जो हम साग के पत्ते सुबह ले आए थे, और साथ में है साग कोखुआ। तो हम इसको बाहरी पत्थर में इसको घिसेंगे, चटनी बनाएंगे। बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो ब्रांस के फूल हैं, इसके अंदर से जो ये स्पेस सी इसकी ये हैं, इनको अलग करके जो सिर्फ फूल है उनकी चटनी बनाई जाती है। मेहनत लगती है, लेकिन टेस्टी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो अभी हम अंधेरा हो चुका है, और बोनफायर हमने जला दिए यहाँ पे। तो आप भी अगर बोनफायर का मजा लेना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ ट्रैकिंग पे आ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ सीधे सूरतवादियों के बीच। और अभी हम डिनर यहीं करेंगे बोनफायर के साथ, तो कुछ टाइम बाद यहाँ इंजॉय करेंगे हम, और उसके बाद मिलते हैं आपसे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी हमारे साथ आना चाहते हो और ऐसे ऐसे पहाड़ों में आकर बोन फायर का मजा लेना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो अभी बोन फायर का आनंद लेते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।